नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 15A है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ़ पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13, इवेलुएट करो ए अपॉन बी। ए अपॉन बी निकालना है हमें। अब ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका होता है 4/13, पी बी जो होता है वो 9/13, 13 कट गया, 4/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ पी ए इज 6/11, पी बी 5/11, पी ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी होता है 7/11, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन आपको दिया है, यूनियन का फार्मूला लगेगा ए पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यह है यूनियन का फार्मूला। यूनियन आपको दिया है 7/11, ए आपको दिया 6/11, बी आपको 5/11 दिया है। तो जो आपका ए पी ए इंटरसेक्शन बी है वो आपने निकालना है, ठीक है। तो उसको इस तरफ ले आते हैं और ये 6+5 11/11 बन गया, ये रकम उधर आ जाएगी 7/11, तो 11 - 7 होता है 4/11। तो ये हमारा क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, इफ़ पी ए इज 3, पी बी इज 5/7, वेयर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन फाइंड ए यूनियन बी एंड पी ए अपॉन बी। चलो, अब पी ए आपको 3 दिया है, पी बी आपको 5/7 दिया है, ए इंटरसेक्शन बी जो है उसका जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उनके बीच में, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहते हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है पी ए इंटू पी बी। तो ये फॉर्मूला है उसका। अब पी ए आपको दिया है, पी बी आपको दिया है, वैल्यूज पुट कर दो 5/7, 5/21, 25/147। तो पी ए अपॉन बी जो होता है वो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी ये निकाला हमने 25/147, पी बी आपका 5/21 है, तो ये 21/5 हो गया, 21 इसके साथ कैंसिल हुआ, 7 + 5 = 5/7। चलो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का फॉर्मूला आता है पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये 5/7 है, 5/21 है, ये आपको 25/147 दिया है। सबको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे 147, तो आ जाएगा 105 + 35 - 25, तो ये 140 - 25 115/147, तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी।